नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी चुनाव प्रचार के लिए चंडीगढ़ आएंगे। तिहाड़ जेल की नंबर दो में ऐसे कटेंगे सीएम केजरीवाल के 15 दिन। मेरी नाक न कटे मंडी रैली में सुप्रिया श्रीनेत और राहुल गांधी पर जमकर बरसी कंगना। भाजपा द्वारा धर्मशाला में आयोजित परिचय बैठक में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। डॉक्टर एचआरटीसी के चालक परिचालक और एम्बुलेंस कर्मी डाक मत पत्र से दे सकेंगे वोट। कंगना बोली, कांग्रेस कर रही मेरे खिलाफ दुष्प्रचार, लेकिन मैं सेवक की तरह करूंगी काम। जब नेशनल टीवी पर गूंजी हिमाचल की बेटी की आवाज। दुनिया की सबसे ऊंची शिमकुला टनल का काम जून से होगा शुरू, टेंडर जारी। लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके, रात 10:37 पर 3 बार महसूस किए गए 3.5 तीव्रता मापी गई। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ये रैली सेक्टर 34 रैली ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। अभी तक इसके लिए समय फिक्स नहीं किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल तक सारा कार्यक्रम फिक्स कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा टीम ने भी रैली ग्राउंड का दौरा किया है। इस रैली में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में मौजूदा समय में 4 आरोपी अलग अलग बैरक में बंद हैं। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और के कविता, और अब केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल में जिस बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है, उसमें कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बंद थे। भाजपा द्वारा आयोजित हुए मंडी के भीमाकाली मंदिर परिसर में भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत ने हिस्सा लिया। इस दौरान कंगना ने अनुराग ठाकुर को अपना रोल मॉडल बताया, तो वहीं पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को लेकर कहा कि यह मेरे मार्गदर्शक है। अभिनेत्री रनौत ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बहाने पार्टी पर एक के बाद एक कई हमले किए। भाजपा ने कांगड़ा को फोकस कर चुनावी रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव प्रचार को धार देने के लिए मंगलवार को धर्मशाला पहुंचे। 2 दिन पहले ही जोरावर स्टेडियम में सुधीर शर्मा के साथ अभिनंदन कार्यक्रम के बहाने भाजपा ने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया था। अब 2 अप्रैल को यानी आज धर्मशाला के समीप कस्बा नरवाणा गांव में भाजपा की एक परिचय बैठक आयोजित की गई। इसमें धर्मशाला भाजपा मंडल के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को आमंत्रित भी किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बैठक में विशेष तौर पर उपस्थित रहे। आगामी लोकसभा चुनावों में अनिवार्य सेवाओं में सेवारत व्यक्ति मतदान के लिए ड्यूटी पर तैनाती के चलते डाक मत पत्र से मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, एचआरटीसी के चालक परिचालक इसमें शामिल हैं। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हुए देश की जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह वह भी कार्य करते हुए यहां की जनता की सेवा करेगी। यह बात उन्होंने मंगलवार को द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले शिवाब दारवे द्रंग मंडल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग उनके बारे में दुष्प्रचार करने में लगे हैं। कंगना ने स्पष्ट किया कि मंडी में उनका कार्यालय होगा, एक सरकारी कर्मचारी और सेवक की तरह मैं मंडी के लोगों की सेवा करेंगी। जब नेशनल टीवी पर गूंजी हिमाचल की बेटी की आवाज, मेधा शर्मा ने मायनी मेरी गीत गाकर जीता सबका दिल। सामरिक महत्व के मनाली दारचा पदुमले मार्ग पर बन रही विश्व की ऊंची शिंकुला टनल का निर्माण कार्य जून में शुरू होगा। दिल्ली की एक कंपनी को सीमा सड़क संगठन ने करीब 1500 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है। टनल बनने से मनाली दारचा ले बाया शिंकुला पदुम एवं निमू मार्ग में 12 महीने सेना की कानवाई की आवाजाही रहेगी। 4 किलोमीटर लंबी टनल 3 साल यानी कि 2027 तक देश को समर्पित होगी। समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रे को भेद कर बन रही टनल से पाक और चीन सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच आसान होगी।
हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति में सोमवार रात भूकंप के झटके रात 10:37 पर आए। ये झटके 3 बार महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। जमीन के भीतर इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही। आज के लिए बस इतना ही।